कैसी थी फीलिंग? आपको कुछ फील हुआ, नहीं हुआ? अगर हुआ तो कैसा हुआ? जी सुदीप्ता मैम। गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग मुझे तो वो पोर्टल नंबर ना, मुझे आपने जो कहा था, जो मैं वो मैम। लिख तो वही रही थी, बट मुझे विजुलाइज कुछ और हो रहा था, कोई और ओके नंबर 1733 विजुलाइज हो रहा था ओके, बार बार। तो वो आप अपने लिए नोट कर लीजिए, हो सकता है वो आपके लिए नंबर हो, है ना? मैं क्योंकि मैं बार बार लिख, आप बोल रहे हैं मैं वो लिख रही हूँ, बट विजुलाइज जो मतलब दिमाग में वो जी चीज वो हो रहा है, मैं बार बार वहीं पे जाता हूँ 1733। हाँ, तो आप अपने लिए वो वाला ओके पोर्टल नंबर ओपन करेगा इसी फॉर्मेट से, है okay. और मुझे एक दिखा, एक बूढ़ा सा आदमी जिसका काफी बड़ा सा सफेद दाढ़ी था, जी व्हाइट एंजल्स तो दिखे, व्हाइट फेदर्स जी दिखे, बाकी कुछ और नहीं ओके दिखा। हाँ मुझे मतलब मैं मून पे थी, स्पेस में मैं मून नाइस पे थी और सनराइज हो रहा है, वो ओके लाइट मुझे स्टार्टिंग में वो लाइट देखा, फिर बाद में फिर व्हाइट मतलब वो सन जो है ऊपर आते बस व्हाइट लाइट हो जाता, वैसा पूरा फुल फ्लो हुआ, ओके बल्ब नहीं दिखा मुझे। दैट्स ओके। जो भी नेचुरली दिख रहा है वही आपके लिए तो बेस्ट है। नहीं मुझे लगा समथिंग कुछ मेरा कुछ गलत तो नहीं 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 मैम होगा। जी, थैंक ओके यू थैंक यू सो मच। आई हैव सीन अ बोट एंड देन पोलर बियर। ओके ओके ग्रेट, फिशेस दिख रहे थे, वंडरफुल। मेरे हाथ ठंडे हो गए और डीप साइलेंट फील हुआ बॉडी में, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो इसमें आपको साइलेंस ही एक्चुअल फील होगा, कि आपके बिल्कुल जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, आप थॉटलेस हो जाओगे, और उसी में आपको हो सकता है कि कुछ विजुअलाइज हो, वरना उसके बाद नेक्स्ट स्टेज यही होती है कि बिल्कुल आप थॉटलेस हो गए और उस मोमेंट में बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ना कोई विजुअलाइजेशन, कुछ भी नहीं होता फिर उसके बाद। आई कुड सी वाइट वाटरफॉल विच वॉज लाइक वाइट फॉग, आई कुड सी माई ऑरा एक्सपैंडिंग फीलिंग एनर्जाइज, वंडरफुल मैम। मेरा हाथ भी ठंडे हो गए एंड वाइट पर्ल दिखे, ओके ब्यूटिफुल। बॉडी ठंडी फील हुआ एंड स्नो फॉल एंड फेल्ट माई बॉडी कवर्ड विद वाइट लाइट, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी पूनम मैम, सॉरी नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम कल रात में मेडिटेशन करके सोई थी तो मुझे रात सपने में 1619 नंबर आया। ओके और उसके बाद शायद एक नंबर और था पर वो मैं देख नहीं पाई, पर 1619 क्लियर था मैम। तो वो आप अपने लिए नोट कर लीजिए मैम, वो आपके लिए कोई पोर्टल नंबर होगा। ओके ओके हाँ थैंक यू। जी थैंक यू मैम। हाथों के पाम्स में ब्लड फ्लो बढ़ गया है, फील हो रहा है, ओके। हाँ थोड़ा सा आपको ऐसा कुछ फील होगा, दैट इज नॉर्मल। मेडिटेशन के समय मेरा हेड हमेशा नीचे क्यों हो जाता है? सुदीप्ता मैम, जनरली तो ऊपर उठ जाता है, आपका नीचे हो जाता है? नहीं नीचे नहीं, पीछे हो जाता है। पीछे हो, पीछे इज फाइन, हाँ पीछे तो बहुत पीछे हो अच्छे। जाता है हाँ वो और फिर बहुत नॉन दर्द होने लगता है, गर्दन में हाँ बहुत दर्द होने लगता है। वो नेचुरल है मैम, हमारा ऐसे पीछे हाँ जाने लगता नीचे है। नहीं पीछे। हाँ जी जी हाँ जी जी मैम, व्हाई आई फेल्ट आई वाज इन अंतरिक्ष ड्यूरिंग अट्यूनमेंट प्रोसेस दैट वाज बिफोर मेडिटेशन। हाँ दैट्स ओके कीर्ति मैम, दैट इज एब्सोल्यूटली फाइन। ऑसम एक्सपीरियंस, आई फेल्ट रिवॉल्विंग अराउंड इन वाइट ब्राइट लाइट एंड ऑन टॉप द स्पेस सोर्स ऑफ वाइट लाइट एंड स्केच ऑफ शंकर भगवान एंड हैड पेन इन स्टमक, ओके दैट्स ब्यूटिफुल सर। अगर आपको कहीं पर पेन होता है ना, तो आप समझ जाइए कि आपके वो पार्ट में कुछ ना कुछ इश्यू है, ओके और वहां से कुछ रिलीज हुआ है और वो पेन होके ही आपका रिलीज होगा, ओके ओके जी। ओके पर ये शंकर भगवान जी का जो स्केच दिखा, इट हाँ वाज रिवॉल्विंग राउंड एंड राउंड, और ऊपर से कंटिन्यूअस व्हाइट एनर्जी और ये सब कुछ हो रहा था, और दैट टाइम आई वाज स्पीचलेस, कुछ समझ में जी नहीं आ रहा था। दैट्स अ ब्लेसिंग सर, बहुत अच्छा है पसीना आ मैम। गया। जी सर
इट वाज रियली बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था। जी ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू मैम। आई सर्व वन स्पिरिचुअल गुरु। मैं एक वाइट बॉल के अंदर थी और मैं बहुत डीप जा रही थी अंतरिक्ष में। वाइट हीलिंग लाइट शावर हो रहा था। आई सॉ वाइट माउंटेन्स ऑल्सो। दैट्स ब्यूटिफुल। आप अब आप लोग जैसे मल्टीपल टाइम्स इसको एक्सेस करेंगे ना, तो आपको हो सकता है और कुछ एक्सपीरियंस हो। बट कभी भी किसी के एक्सपीरियंस की उम्मीद लेकर एक्सेस मत करिएगा कि हम एक्सेस करने जा रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो, है ना। बिल्कुल थॉटलेस होके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जितना ज़्यादा हमारा सरेंडर का भाव रहेगा उतने मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस होंगे आपको, और उतने ही हीलिंग मिरेकल्स आप ऑब्जर्व करेंगे। ओके मे बी आपको कुछ बाहर से ना दिखे कि अभी तो ये हील नहीं हुआ, बट आप देखोगे कि एक दो दिन में आपको उसका इफेक्ट जरूर दिखेगा। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप थैंक्स लोग लॉट। अच्छे से प्रैक्टिस करें। गॉड ब्लेस अस ऑल। रेकी ब्लेस अस ऑल। थैंक यू थैंक थैंक यू मैम। गुड नाइट। यू थैंक यू। गुड नाइट। हेड रीजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा सेंसेशन थ्रोट चक्र में। हाँ मैम, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इधर ही आएगा, क्राउन चक्र एंड थर्ड आई। ये थोड़ा सा आपका हैवी भी हो सकता है, तो वो नॉर्मल है। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।